सोचोगे कि आज हम सुबह सुबह इतना जल्दी कहाँ जा रहे हैं। तो फ्रेंड फाइनली हम जा रहे हैं साइकिल राइड पे, जिसके लिए हमें काफ़ी दिन से इंतज़ार था और हमने आज प्लान किया, पर हुआ क्या, सिर्फ एक फ्रेंड आया है जो कि है विजय, और जिसको आपने लास्ट बार देखा था उसमें हम जब फ्रेंड्स के साथ जोधपुर टूर में गए थे उसमें देखा था। और बाकी इतने सारे लोग मतलब मेरे फ्रेंड्स थे, पर उन्होंने एंड टाइम पे मना कर दिया, तो हमने कहा कि हम हमारे इन्जॉयमेंट क्यों ख़राब करें, पर हमें जाना है इसलिए हम जा रहे हैं। और पहले डिसाइड किया था कि कैलाना तक जाएंगे, पर अब देखो हम दो जने हैं तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, पर जहाँ पे जाएंगे फुल इन्जॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। चलो, तो एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। तो आज है 1 अगस्त 2021 और मैं हूँ जोधपुर में, और आज हमारे एक और नया व्लॉग। तो अब मिलते हैं सीधा मोटो व्लॉग साइकिल व्लॉग में। चलो ठीक है। एक बार मुझे बता देना कि एंगल क्वालिटी कैसी है, मुझे तो यहाँ से पता नहीं चल रहा कि एंगल सही आ रहा है या नहीं, बट एक बार आप बता देना कि आप एंगल कैसा आ रहा है, और वॉइस क्वालिटी भी बता देना कि वॉइस कैसी आ रही है। तो हमने डिसाइड किया था ये करीब करीब 1 से 2 महीने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमें जाना है साइकिल राइड पर, बट कुछ प्रॉब्लम्स के चलते हम नहीं जा पाए, और अब फाइनली प्लान बना है हमारा साइकिल राइड का, तो हम आ गए। बट इसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई कि कुछ, जैसे हमारे राइड का प्लान था कि हम काफ़ी जिन्हें जाएंगे, पर अब हर किसी के हो नहीं पाता इतना, और ज़्यादा साइकिल चलाई भी नहीं जाती, तो इसलिए सब ने कंफर्म किया, मतलब एंड टाइम पे हमें बोला कि हम नहीं आ रहे, तो ये थोड़ा सही नहीं हुआ। बट वो अगर वो थोड़ा पहले बोल देते तो हम इतना परेशान नहीं होते, पर कोई बात नहीं, जो हुआ सही हुआ है, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप बताना एक बार कि एंगल के सारे, अभी तो पूरा ब्लैक आ रहा होगा आई थिंक, क्योंकि लाइट है नहीं अब बिल्कुल, बट थोड़ा सा, क्योंकि अब मॉर्निंग का टाइम है और इतनी लाइट्स है नहीं, पर आगे चल के बताता हूँ, थोड़ी लाइट्स भी आ जाएगी आई थिंक, अब सही आ रही होगी थोड़ी सी, अब लाइट्स की प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और ये मॉर्निंग वाइब्स होती है ना यार, ये बहुत अच्छी होती है, सुबह सुबह ऐसे साइकिल पे निकल जाना, जो सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा होती है यार, ये मुझे ना बहुत अच्छी लगती है। बट यार क्या होता है, क्या सुबह सुबह इतना जल्दी उठ नहीं पाते है, पर कब हफ्ते में एक बार तो ऐसे साइकिल राइड पे जाने चाहिए, भले साइकिल राइड हो या बाइक राइड हो, किसी पे भी, पर एक बार जाना जरूर चाहिए। और वो हमारे विजय सायतंग आपको दिख रहे होंगे, यानी काफ़ी आगे निकल चुके हैं मुझसे, अब आपको देखते हैं ये ब्लॉग कहाँ तक का देखने को मिलता है, क्योंकि पहले हमने डिसाइड किया था कैलाना का, जैसे मैंने आपको बताया भी, और अब हम कैलाना जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं वो तो आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि अब दो दिन ही है। अशोक उद्यान, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह, और
विजय भाई को थोड़ा ब्रेक लेना था, इसलिए हमने थोड़ा ब्रेक भी ले लिया और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर ली। अब हम 2 मिनट में निकलने वाले हैं कायलाना के लिए। अब हमारा प्लान हो गया कि हम कायलाना तक जाएंगे, क्योंकि हमने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, पर हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम कायलाना तक जाएंगे ज़रूर और जाके फिर आएंगे, क्योंकि हमने टारगेट यही लिया था कि कायलाना तक जाना है, तो मतलब जाना है। तो अब थोड़ी बहुत देर में निकलते हैं और आपको दिखाते हैं साइकिल व्लॉग या मोटो व्लॉग, आप जो भी कहो। हाय गाइस, मैं अक्षय कुमार, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। अभी मैं थोड़ा चल रहा हूँ। और तो यार भाई से तो व्लॉगिंग हो रही नहीं है, भाई ने कहा यार मेरे बस की कहा, और ये चीज़ आप ही संभालो, इनको एक्टिंग अच्छी आती है, ये एक्टिंग करेंगे और हम व्लॉग बनाएंगे। ये तो अब हम निकल चुके हैं अशोक उद्यान से, हमने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह की और रनिंग वगैरह की थी, एक दो राउंड निकाले थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे कायलाना, क्योंकि ऐसा है कि मतलब अभी टाइम कुछ नहीं हुआ और इतना जल्दी हम इस घर भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि घर वालों को हम पहले से बोल के आए थे कि हम 9-10 तो बज ही जाएगी, पर इतना जल्दी हम जाना भी नहीं चाहते घर पे, इसलिए हम अभी थोड़ा सा कायलाना होके फिर जाएंगे, क्योंकि अभी जो मॉर्निंग व्यू होता है ना कायलाना का, वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमने कहा कि वो तो हम देखेंगे। विजय शाह हमारे, अक्षय कुमार आगे चल रहे हैं। अब एक बात जो विजय ना मतलब एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, ये एक्टिंग है ना मुझे रियली बहुत अच्छी लगी। तो आप भी हम ना इधर जैसे यहाँ से चौपासनी जा रहे हैं, चौपासनी में मेरे एक फ्रेंड रहता है उसके पास जाएंगे और वहाँ से होके कायलाना जाएंगे, या फिर पहले कायलाना जाएंगे उसके बाद उसके घर जाएंगे। अब ये थोड़ा सा एंगल आए थे मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले ये काफ़ी लूज था तो ये बार बार हिल रहा था, पर अभी हमने एकदम टाइट कर लिया है तो इतना हिल रहा तो नहीं है। इसमें आई थिंक दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, पर हमें तो एकदम क्लियर दिख रहा है आंखों से। यार हम जो आंखों से देखते हैं ना वो हम कैमरे में नहीं बता पाते, पर ये चीज़ है ना हर किसी को एक बार ये एडवेंचर करना चाहिए, ये चीज़ रियल लाइफ में एक्सपीरियंस हर किसी को एक बार करनी चाहिए, क्योंकि जो मज़ा आता है ना यार वो आप सोच नहीं सकते। इसमें जैसा कि यार कोई पैसे वगैरह लग रहे हैं नहीं, अपने पास साइकिल तो हर किसी के घर पे होती है, बस सुबह सुबह साइकिल लेके निकल जाना है। जो है वो मेरा ये जो साइकिल पे माउंट है वो तो है नहीं, इसलिए अभी मैं ये जो ट्राईपॉड होता है उसी को लगा के वॉकिंग, अभी मैं जो मतलब मेरा ट्राईपॉड है उसी को जैसे तैसे साइकिल पर एडजस्ट करके व्लॉगिंग कर रहा हूँ। बट जैसे आने वाले टाइम में या फिर एक दो राइड के बाद में मैं वो माउंट ले लूँगा, मैं अभी लेने वाला था पर हुआ क्या मतलब जो ऑनलाइन वो थोड़ा ज़्यादा महंगा मिल रहा था और ऑफलाइन मिल रहा था, ज़्यादा मार्केट साइड जाना खुली हो नहीं रहा था, पर जब भी थोड़ा ऑनलाइन सस्ता मिल जाएगा तो मैं ऑनलाइन मंगा लूँगा, या फिर कभी मार्केट गया तो मार्केट से ले आऊँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम पहले अशोक उद्यान क्यों गए। देखो ऐसा था कि हम सुबह सुबह बहुत जल्दी निकले थे, तो हमने सोचा कि हम जब तक कायलाना पहुँचेंगे तब तक दिन नहीं निकलेगा, और जो ये हमने व्यू कवर करना था ना, ये वाला व्यू ये हम कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पहले गए अशोक उद्यान, उसके बाद हमने डिसाइड किया उसके बाद अब कायलाना। और पहले हमारा ये कोई डिसीजन नहीं था कायलाना आने का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पर हमने बाद में सोचा कि नहीं भाई कायलाना ज़रूर चलेंगे और ये वाला व्यू है ये ज़रूर कवर करेंगे। अगर मैं ना इस साइड इस एरिया में रहता ना तो मैं हर डेली आता इधर, पर यार जहाँ पे मैं रहता हूँ ना यार वहाँ मतलब जिस एरिया में मैं रहता ना उधर इतना मतलब आस पास है कोई ऐसी एडवेंचर टाइप मतलब जगह नहीं है, तो
तो इतना नहीं हो पाता, और जो फ्रेंड्स हैं उन्हें बोलता हूँ वो भी मानते नहीं हैं चलने के लिए, और अकेला आना इतना दूर अकेला ना, मतलब फिर वो तो फैमिली भी नहीं भेजती, इसलिए देखो विजय भाई थक गए यहीं पे यार, मतलब ये बहुत ऊपर चढ़ाई है, मेरे तो थोड़ी मतलब गियर वाली साइकिल है तो मुझे इतना कुछ महसूस नहीं हो रहा, पर विजय भाई को बहुत महसूस हो रहा है क्योंकि उनकी नॉर्मल साइकिल है। पर यहाँ से जो व्यू है ना भाई वो देखो यार, और सुबह सुबह की ये ठंडी हवा, एकदम एडवेंचर टाइप फील होता है यार। ये बहुत खड़ी चढ़ाई है जैसा कि आपको नीचे से दिख रहा है, हम वहाँ से आए हैं एकदम, और विजय भाई तो ये देखिए कायलाना थोड़ा सी चला घूमता है, ये जो स्टार्टिंग जैसे सिद्धनाथ के पास जो झील है कायलाना है, मतलब वहाँ की है, तो ये व्यू हम अभी दिखा रहे हैं, बट देखो पानी बहुत कम है, जब हम लास्ट टाइम आए थे तब पानी कम था, अभी तो बहुत कम पानी हो गया है, पर कोई बात नहीं क्योंकि पूरा जोधपुर यही पानी देता है। हमने लास्ट बार भी यही डायलॉग बोला था, अगर आपने वो वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो वो चैनल पे लाइव है, आप जाके देख सकते हैं हमारी वो वाली। उस टाइम है ना विजय भाई बार बार डायलॉग बोल रहे थे कि मैं अक्षय कुमार, और ये हकीकत में मतलब अक्षय कुमार का डबिंग है ना, क्या सही बोला ना तो मैं विजय भाई थोड़ी बहुत अक्षय कुमार की डबिंग करते हैं, उनकी थोड़ी बहुत वॉइस भी निकाल लेते हैं, और अगर ये ऐसे मेहनत करते रहेंगे तो आई थिंक ये ज़रूर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो हर चीज़ मेहनत पे डिपेंड होती है, अगर आज हम सुबह निकले नहीं होते और घर में सो रहे होते तो आज हम भी ये व्लॉग नहीं बना रहे होते और घर पे सो रहे होते, और जो ये अच्छे अच्छे नज़ारे हैं ये रिकॉर्ड नहीं होते हमारे फ़ोन में। पर अब हमने थोड़ी बहुत हिम्मत की, मेहनत की और आगे, और एकदम ना खड़ी चढ़ाई है, साइकिल चलाने में इतनी दिक्कत हो रही है पूछे मत, बहुत हार्ड गियर वाली साइकिल है तो भी बहुत दिक्कत हो रही है, पर अब मज़ा आएगा, एकदम ढलान है, मज़ा आ रहा है यार। और फिर से आ चुकी है खड़ी चढ़ाई यार, तेज साइकिल चलाने में बहुत मज़ा आता है, पर क्या होता है एक थोड़ी भीड़ ज़्यादा है और बार बार बीच में थोड़े बहुत डॉग्स मिल जाते हैं, और सुबह सारे लोग वॉकिंग कर रहे हैं तो हमें थोड़ी संभाल के चलानी पड़ेगी, नहीं तो भैया अभी जो मज़ा आता ना एक बता नहीं पाता कि मतलब इतनी स्पीड में साइकिल आई थी, जो रियल व्यू मैंने किया ना और मज़ा, और जहाँ से आते टाइम इतनी साइकिल चढ़ाई थी ना वहाँ पे तो भाई एक्सट्रीमली बहुत मज़ा आने वाला, वापस आते टाइम ज़रूर, पर उस चीज़ का मैं शॉर्ट नहीं बनाऊँगा, उस चीज़ की मैं लूँगा रील जो कि आपको देखने को मिलेगी इंस्टा वाले चैनल पे। और अभी हम जहाँ रुके थे ना वहाँ पे हमने किया फ़ोटोशूट और वो भी आपको देखने को मिलेगा इंस्टा पे, तो अभी तक जिस जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया वो आके कर लेना। मैं यूज़र नेम नीचे दे रहा हूँ तो फॉलो कर लेना एक बार यार। ये जो कायलाना का बैच आता है ना बार बार ढलान चढ़ान, बहुत मज़ा आता है यार, साइकिल चलाने का रियल नज़ारा यही है। मैं कहूँ एक बार तो अगर आप जोधपुर में रहते हो तो एक बार तो ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस करना, इतना मज़ा आएगा कि यार सच्ची में मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है और बहुत मज़ा आ रहा है यार। विजय भाई यार काफ़ी आगे निकल चुके हैं तो मैं थोड़ा तो
तो भाई अभी मैं और विजय भाई दोनों थक चुके हैं, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा पैदल चल के कवर कर लेते हैं। विजय भाई ये जा रहे पैदल पैदल और हम दोनों की हालत टाइट हो चुकी है बहुत ज़्यादा। हालत तेज ख़त्म, बाय बाय। अभी हम चढ़ाई करने वाले हैं और चढ़ाई करते करते हमारी चढ़ चुकी है गर्मी, ऊपर छाती तक आ चुकी है। नहीं भाई आज गर्मी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, अच्छा है लेकिन चलाते चलाते और व्यू भी बहुत अच्छा है। हाँ सच में, पर एक क्या सामने वाली हवा है तो एक थोड़ी चढ़ाने में और चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, और एक थोड़ी खड़ी चढ़ाई है ना इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है, हालत टाइट हो रही है क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है इतनी साइकिल। तो अभी पीछे हुआ क्या, मेरी और विजय भाई की थोड़ी नोकझोंक हो गई थी क्योंकि विजय भाई कह रहे थे कि टाइम लैप्स मत लो, डायरेक्ट वीडियो बनाते रहो वही सही रहेगा। पर मैंने कहा नहीं भाई, अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो बार बार मुझे बोलना पड़ेगा और बार बार साइकिल को चढ़ाना उतारना गियर चेंज करने उसमें बहुत दिक्कत होती है, और एक हालत भी टाइट हो रही थी और सांस भी थोड़ी भर रही थी, इसलिए मैंने कहा कि नहीं भाई टाइम लैप्स चलने दो और अपन साइकिल पर साइकिल चलाने में ध्यान देंगे, क्योंकि एक थोड़े मोड़ थोड़े ज़्यादा है और भीड़ थोड़ी ज़्यादा है तो गाड़ी सामने से कभी भी आ सकती है, तो इसलिए पहले सेफ्टी पहले, व्लॉगिंग तो बाद में होती रहेगी। हम अभी चलते जा रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं, हमारी मंजिल अभी तक आई नहीं है, कोशिश करते जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा व्यू है। आप यहाँ आएंगे तो आपको, अगर आप जोधपुर में हैं तो आप यहाँ ज़रूर आइए क्योंकि माउंट आबू जैसी फीलिंग आपको आ जाएगी अगर आप सुबह आते हैं, क्योंकि अगर आप धूप में आएंगे। अभी तो ना 4-5 दिन से भाई साहब जोधपुर का मौसम बहुत अच्छा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, कुल मिला जी ये बात है। मौसम बहुत अच्छा है इसलिए यार घूमने का बहुत मन हो रहा था, इसलिए हमने डिसाइड किया और निकल पड़े। डिसाइड तो हमने बहुत लोगों के साथ किया था, बहुत लोगों ने हाँ भी बोली थी लेकिन एंड टाइम पे सबने मना कर दिया, लेकिन हमें तो कन्फर्म था कि हमें आना है और चलना है तो हम आ गए। वैसे व्यू काफ़ी अच्छा है, देखिए एकदम। पहले हुआ क्या था, सबने कैंसिल कर दिया था तो मैंने सोचा था कि नहीं मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, पर बाद में विजय भाई ने कहा कि उन्होंने कैंसिल किया है तो क्या हुआ, आप वीडियो ज़रूर बनाइए, चैनल आपका है और उनका नहीं है तो आप वीडियो ज़रूर बनाइए। तो दूसरों के ऊपर क्यों डिपेंड रहना अपने ऊपर, जब अपना खुद का चैनल है, अपना खुद का काम है, दूसरों के ऊपर क्या, अपन को तो वैसे अपना खुद का काम चालू रखना चाहिए, वही बात है और यही है। अभी हम चलते ही जा रहे हैं और एक बात और जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं अक्षय कुमार हम आए थे कायलाना, काफ़ी देर हो गई, करीब करीब आधा घंटा हो गया कायलाना रुके हुए, हमने थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वगैरह किया, रील वगैरह बनाई, ये पीछे जो झरना है यहाँ पे हमने रील वगैरह बनाई और अपने अक्षय कुमार फिसलते बच गए ये, और ये अपने अक्षय कुमार है ये थोड़े फिसलते बच गए क्योंकि बहुत काई जमी हुई है तो इसलिए थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ता है। और जब पहले यहाँ पे पानी भरा हुआ था तब तो यहाँ पे क्या मतलब वो स्टेयर्स है ना उससे नीचे भी नहीं आने दे रहे थे, यहाँ तक तो बहुत बड़ी बात है, पर अभी जैसे पूरा कायलाना एकदम खाली पड़ा है इसलिए ना हम यहाँ तक आ पाए, नहीं तो यहाँ तक आना अलाउ नहीं होता है। खतरों से खेलना तो मेरा शौक है क्योंकि मैं खतरों से खेलता हुआ ही बड़ा हुआ हूँ, थोड़ा बहुत डर लगता है क्योंकि एकदम पूरी काई जमी हुई है और थोड़ा सा हल्का सा पैर रखते ही फिसलने लग जाता है, इसलिए अपने को थोड़ा संभाल के चलना चाहिए और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस बात का। तो हम कायलाना से निकले थे और हमारे फिर से लेट नतीत, लास्ट व्लॉग में भी लेट और इस व्लॉग में भी लेट, क्या भाई हमेशा लेट आके क्या करोगे तो ये कह रहा है कि मतलब आज हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट इस घर इसके घर पे है, क्या भाई क्या बनाया ये तो बता दे।
दोस्तों हम लोग घूम फिरा के आ चुके हैं और अच्छा लगा, काफ़ी मौसम भी अच्छा था लेकिन बाहर थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है बरसात टाइप। तो फाइनली हमारा दोस्त हमें लेने आया और अभी हम उसी जगह घर पे हैं, आप पीछे देख सकते हैं, कर रहे हैं नाश्ता और अब हम नाश्ता करने बैठे हैं। नाश्ता जो कि उसने स्पेशली हमारे लिए बनवाया है, काफ़ी अच्छा दोस्त है हमारा। और ये देखिए आ गया जो हमेशा हमेशा लेट आता है और अभी भी लेट आया है। नमक ब्रो, नमक लेकर आ गया है ये। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि आप घर पे जाएंगे और हालत इतनी टाइट हो रही है कि व्लॉग करने की हिम्मत नहीं हो रही, पर घर पे जाएंगे और उसके बाद थोड़े रेस्ट करेंगे, उसके बाद वीडियो एडिट करूँगा, उसके बाद कल या परसों तक ये वीडियो मेरे चैनल पे लाइव हो जाएगा और आप देख सकते हो। तो कभी हार मानना नहीं और आगे बढ़ते रहना। चलो बाय बाय।